दोस्तों, रिप्रोडक्शन यानी कि जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी नए जीव का निर्माण होता है। शारीरिक बनावट और अवस्था के चलते हर एक जीव की गर्भावस्था और जनन की प्रक्रिया अलग अलग होती है। जैसे मनुष्यों का गर्भकाल 9 महीनों का होता है, तो वहीं हाथी जैसे जीवों का गर्भकाल लगभग 625 दिन और बिल्ली का गर्भकाल मात्र 58 से लेकर 65 दिन का होता है। हर जीव का अलग आकार और बनावट होने के चलते इनकी नई संतति निर्माण की प्रक्रिया भी अलग ही होती है। जैसे कुछ जीव अंडे देते हैं, तो वहीं कुछ जीव सीधे बच्चे पैदा करते हैं। अगर बात करें अंडा देने वाले जीवों की, तो इस पृथ्वी पर ढेरों ऐसे जीव हैं जो अंडे देते हैं, लेकिन इनमें से भी कुछ जीव ऐसे हैं जो अपने अनोखे किस्म के अंडों के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। और आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही अनोखे जीव और उनके अंडे, जिन्हें देखने के बाद आप पूरी तरह से हैरान रहने वाले हैं। स्नेल एग्स। हमारी इस लिस्ट में पहले नंबर पर है स्नेल। दोस्तों, स्नेल या यूं कहें कि घोंगा तो आप सभी ने जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने स्नेल के अंडों को देखा है? शायद नहीं, क्योंकि इनके अंडे बड़ी ही मुश्किल से देखने को मिलते हैं, क्योंकि स्नेल भी आकार में काफी छोटे होते हैं। सामान्य तौर पर तो स्नेल और लगभग सभी जीवों में केवल एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ स्नेल ऐसे होते हैं जिनमें मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ऐसे स्नेल्स को उभयलिंगी या द्विलिंग के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें इनके अंडों की, तो मैटिंग के बाद जो स्नेल्स जमीन पर रहते हैं, वो कीचड़ या नमी वाली मिट्टी में अंडे देते हैं, और जो स्नेल पानी में रहते हैं, वो पानी में ही किसी चट्टान के पीछे अपने अंडे देते हैं। इनके द्वारा दिए जाने वाले अंडों की संख्या इनकी प्रजाति पर निर्भर करती है। स्नेल की कुछ प्रजातियाँ 100 से लेकर 200 तक अंडे देती है, जबकि कुछ प्रजातियाँ 400 से लेकर 600 अंडे तक भी दे देती है। इनके अंडों का साइज मात्र 5 से लेकर 6 मिलीमीटर के लगभग होता है। 2 से 3 महीनों बाद बेबी स्नेल्स इन अंडों से बाहर निकल आते हैं। इसके बाद लगभग 1 से 2 महीनों तक इनका ख्याल मेल या फिर फीमेल स्नेल्स रखते हैं, और जब ये खुद अपना ध्यान रखने और भरण पोषण करने के लायक हो जाते हैं, तो फिर इन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है। ऑक्टोपस एग्स। ऑक्टोपस एक 8 भुजाओं वाला समुद्री जीव होता है। अगर बात करें इनके एग्स की, तो आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक फीमेल ऑक्टोपस 20,000 से लेकर 1,00,000 तक अंडे दे सकती है। और आपको बता दें कि एक मादा ऑक्टोपस अपने पूरे जीवन काल में केवल एक ही बार अंडे देती है, और इसके पीछे की वजह जानकर भी आप चौंक जाएंगे। दरअसल मैटिंग के बाद जब एक मादा ऑक्टोपस अंडे देती है, तो उसके बाद वो उन अंडों को तब तक नहीं छोड़कर जाती जब तक कि बेबी ऑक्टोपस उन अंडों से बाहर नहीं निकल जाते हैं। एक बेबी ऑक्टोपस को ग्रो होने में लगभग 10 से 11 महीनों का समय लगता है, और इस दौरान एक फीमेल ऑक्टोपस रात दिन अपने अंडों के साथ ही रहती है। अब इतने लंबे समय तक सही से कुछ न खाने पीने के कारण अंत में फीमेल ऑक्टोपस की मौत हो जाती है। यहाँ ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए एक माँ अपनी कुर्बानी दे देती है। अयाम सिमानी एग्स। अगले नंबर पर है अयाम सिमानी एग्स। दोस्तों, हमें नहीं लगता कि संडे का नाम आपने पहले कभी सुना होगा। दरअसल अयाम सिमानी एक इंडोनेशियन चिकन ब्रीड है। इसकी स्किन, मसल्स, बोन्स, यहाँ तक कि इसके ऑर्गन्स भी ब्लैक कलर के ही होते हैं, और इनके अंडों का कलर भी काला ही होता है। एक अयाम सिमानी ब्रीड साल भर में करीब 80 से लेकर 100 तक अंडे देते हैं, और इन्हीं अनोखे अंडों के चलते इनकी ये ब्रीड सभी जगह पर भारी डिमांड में रहती है। सुरीनम टोड एग्स। दोस्तों, इस अंडे का नाम सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है? ये किस जीव का अंडा होगा? अगर आप सोच रहे हैं कि ये डायनासोर जैसे किसी भयानक जीव का अंडा है, तो आप बिल्कुल ही गलत हैं। दरअसल ये एक मेंढक का अंडा है, और इस मेंढक की लंबाई 4 से लेकर 8 इंच तक होती है। इसका साइंटिफिक नाम पीपा पीपा है। अब जितना अजीब इसका नाम है, उससे कहीं ज्यादा अजीब इसका रिप्रोडक्शन होता है। दरअसल जब एक फीमेल सुरीनम टोड अंडे दे देती है, तो उसके बाद मेल सुरीनम टोड इन अंडों को अपनी पीठ से चिपका लेते हैं। ये अंडे इनकी पीठ से तब तक चिपके रहते हैं जब तक कि बेबी सुरीनम टोड इनसे बाहर नहीं निकल जाते हैं। इन अंडों को पीठ से चिपकाने के बाद समय के साथ साथ इनके ऊपर एक पतली लेयर भी बनती जाती है। करीब 3 से 4 महीनों के बाद जब ये अंडे परिपक्व हो जाते हैं, तो बेबी सुरीनम टोड मेल सुरीनम टोड की स्किन पर बनी इस लेयर को फाड़कर बाहर निकलते हैं, जिससे उनके शरीर के ऊपरी हिस्से को काफी नुकसान भी पहुंचता है, लेकिन समय के साथ साथ इनकी ये स्किन धीरे धीरे ठीक होती चली जाती है। शार्क एग्स। दोस्तों, शार्क के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, और ये कितनी ज्यादा खतरनाक है ये भी आपको पता ही होगा, लेकिन क्या आपको ये पता है कि एक शार्क अंडे भी देती है? जी हाँ, शार्क अंडे भी देती है। दरअसल शार्क की लगभग 500 से ज्यादा प्रजातियाँ पानी में पाई जाती हैं, जिनमें से ज्यादातर स्पीसीज तो सीधे बच्चे को ही जन्म देती है, जबकि बाकी की बची हुई स्पीसीज अंडे देती है। शार्क के अंडों की बाहरी सतह बेहद ही मजबूत होती है, और इनका रंग हल्का पीला होता है, साथ ही ये जरा सा ट्रांसपेरेंट भी दिखाई देता है। एक बार अंडे देने के बाद फीमेल शार्क उन्हें छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अगर बात करें इनके अंडों के साइज की, तो इनका साइज लगभग 14 सेंटीमीटर के आसपास होता है, और लगभग 12 से 15 महीनों के बाद इन अंडों से बेबी शार्क बाहर निकल आते हैं। जिम्नोफियोना एग्स। शार्क एग्स के बाद अब बात कर लेते हैं जिम्नोफियोना एग्स की।
दोस्तों, क्या इस जीव का नाम आपने पहले कभी सुना है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि अर्थवर्म यानी कि केचुए के जैसे दिखने वाला एक जीव होता है। केचुए की तरह ही ये जीव भी रेंगकर गति करता है। इसकी गति कुछ हद तक सांप की गति से भी मेल खाती है। सामान्य तौर पर तो ये जीव बच्चे को ही जन्म देते हैं, लेकिन इनकी कुछ प्रजातियां अंडे भी देती हैं। फीमेल जिम्नोफियोना एक बार में 50 से लेकर 55 तक अंडे दे सकती है। इन अंडों की लंबाई लगभग 8 से लेकर 10 इंच तक होती है। इवन इनके अंडे इतने ट्रांसपेरेंट होते हैं कि आप आराम से इनके अंदर की सारी एक्टिविटी देख सकते हैं। सी हॉर्स एग्स। अगला नंबर आता है सी हॉर्स एग्स का। दोस्तों, क्या कभी आपने ये सुना है कि किसी मेल ने बच्चे को जन्म दिया हो? अगर नहीं तो फिर शायद आप सी हॉर्स के नाम से वाकिफ नहीं होंगे। दरअसल सी हॉर्स एक ऐसा जीव है जिसमें मेल सी हॉर्स बच्चों को जन्म देता है। ये बात आपको हैरान जरूर कर रही होगी, पर ये बिल्कुल सच है, क्योंकि इनकी शारीरिक बनावट काफी अलग प्रकार की होती है, जिसके चलते इनके रिप्रोडक्शन और ब्रीडिंग की प्रक्रिया भी सामान्य जीवों की तुलना में काफी ज्यादा अलग होती है, जो कि जीव जगत का सबसे अनोखा रिप्रोडक्शन है। दरअसल मेल सी हॉर्स के शरीर में कुदरती एक पाउच या थैली होती है, और मेटिंग के बाद फीमेल सी हॉर्स इस पाउच में करीब 1800 से लेकर 2000 अंडे डाल देती है। इसके बाद इन अंडों के पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी मेल सी हॉर्स के कंधों पर आ जाती है। मेल सी हॉर्स इन अंडों को करीब 1 महीने तक अपने पाउच में संभाल कर रखता है, और इसके बाद जब मेल सी हॉर्स को ये लगता है कि अंडे पूरी तरह से परिपक्व हो गए हैं, तो ये उन्हें पाउच से बाहर पानी में छोड़ देता है। इसके बाद अपने भरण पोषण की जिम्मेदारी अंडों से बाहर निकले इन बेबी सी हॉर्स की होती है। पेरेग्रन फोलकन। दोस्तों, अगर आपको पेरेग्रन फोलकन के अंडों को देखना है तो उसके लिए आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पक्षी काफी फुर्तीले होते हैं और दुनिया के सबसे तेज उड़ने वाले पक्षियों की लिस्ट में भी शामिल किए जाते हैं। हालांकि जब सीधी उड़ान की बात आती है तो ये थोड़ा धीरे उड़ते हैं, लेकिन जब नीचे की ओर डाइव मारने की बात आती है तो फिर इनकी रफ्तार का कोई भी मुकाबला नहीं है। नीचे की ओर डाइव करते समय पेरेग्रन फोलकन 322 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पकड़ सकते हैं। दुनिया का अन्य कोई भी जानवर शायद ही इतनी तेज गति से उड़ान भरता हो, तो इसलिए ये कहां और किस जगह अंडे दे दे कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक जगह मुश्किल से ही टिक कर रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको इनके अंडे देखने को नसीब हो जाए तो उन्हें देखिएगा जरूर। हालांकि एक मादा पेरेग्रन फोलकन एक बार में केवल 3 ही अंडे देती है, लेकिन ब्राइट और रेड कलर वाले ये अंडे देखने में काफी ज्यादा आकर्षक लगते हैं। ऊपर से इन पर बने डार्क स्पॉट इनकी सुंदरता को कई गुना तक बढ़ा देते हैं। कोमन मुर्रे। दोस्तों, अगर कभी आप नॉर्थ अटलांटिक के तटों की यात्रा करेंगे तो वहां पर आपको बेहद ही रोचक और असामान्य बात दिखाई देगी। दरअसल वहां आपको 40 से 50 मीटर ऊंचे पहाड़ों से पक्षियों के कुछ बच्चे नदी में गिरते हुए दिखाई देंगे। दरअसल इन पक्षियों का नाम कोमन मुर्रे होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी ऊंचाई से बेबी कोमन मुर्रे नदी में क्यों गिरते हैं? तो दरअसल इसके पीछे का कारण ये है कि इनकी माँ यानी कि फीमेल कोमन मुर्रे के पंखों का साइज बहुत ही छोटा होता है, जिससे ये ज्यादा खाने को लेकर हवा में उड़ नहीं पाती है। इसलिए ये बेबी कोमन मुर्रे पानी में कूदते जाते हैं ताकि इनके पेरेंट्स इनको आसानी से खाना खिला सके। लेकिन यहाँ एक और खास बात है, और वो ये कि इनके अंडे बाकी सभी जीवों के अंडों से बिल्कुल ही अलग होते हैं। इनके हर एक अंडे का अपना एक अलग कलर और पैटर्न होता है, और ये सब इन्हें नेचर के द्वारा ही गिफ्टेड होता है, ताकि अपने अंडों को ढूंढने में कोमन मुर्रे कपल को ज्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े, क्योंकि वहाँ हजारों की संख्या में ऐसे कोमन मुर्रे मौजूद हैं। अब अगर सबके अंडे का रंग एक ही जैसा हो जाता तो सोचिए उन्हें अपने एग्स को ढूंढने के लिए कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी हमें ये जरूर बताइएगा कि इन सभी एग्स में से आपको सबसे अलग और अनोखा अंडा किस जीव का लगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।